नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है और हलचलों का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में आजम युग का यहां पर अंत की बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही, उसका कारण ये है कि दशकों बाद ऐसा हुआ है कि आजम परिवार का कोई भी व्यक्ति अब किसी सदन का सदस्य नहीं रहा, ना राज्यसभा का, ना लोकसभा का और ना विधानसभा का। और अमूमन देखा जाता है कि रामपुर में आजम परिवार की तूती बोलती थी, बीबी तंजीम फातिमा राज्यसभा सदस्य रही उनकी, वो खुद सांसद भी रहे, 10 बार विधायक रहे और उनका लड़का अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहा। पर विधायकी पर तलवार लटकती रही, कभी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में तो कभी अभी हाल में ही ये फैसला आया और फैसले के तहत यहाँ पर अब्दुल्ला आजम की विधायकी महज 11 महीने ही चल पाई। अभी हाल में ही 10 मार्च 2022 को वो रामपुर की स्वार सीट से जीत कर आए थे। पर निश्चित रूप से हलचले हैं और यहाँ पर हलचलों के चलते जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही है वो ये बता रही है कि जो आजम खां की जो एक बादशाह थी रामपुर में, वो बादशाह खत्म हो गई। खत्म क्यों हो गई? क्योंकि खुद की सदस्यता भी गई, हेड स्पीच मामले में खुद को भी सजा मिली और सरसरा चली गई। रामपुर की सरसरा सीट से विधायक थे और उसके बाद अब बेटे की भी सरसरा चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रामपुर में जो परिणाम आए वो भी एक अलग संदेश दे के जा रहे हैं। आकाश सक्सेना बात जीत कर आए हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव तो वहां पर घनश्याम दास लोधी ने अपना परचम लहरा दिया था, यानी बोगढ़ जिसको कहा जाता था कि आजम खां के नाम से ही प्रसिद्ध था रामपुर, रामपुर यानी आजम खां और आजम खां यानी रामपुर, अब वो गढ़ यहां पर खत्म हो चुका है, वो बादशाहत, वो जलवा खत्म हो चुका है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा समीकरण बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आजम युग का यहां पर अंत हो चुका है। क्योंकि अब दशकों बाद शायद ऐसा समय आया है जब उनके परिवार की किसी भी व्यक्ति की किसी भी सदस्य में सदस्यता नहीं रहती है। फिलहाल इस पर एक रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के करीबी आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आजम खान की विधायकी जाने के बाद अब बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी चली गई है। विधानसभा ने अब्दुल्ला की सीट रिक्त घोषित कर दी है। उनकी स्वार टांडा सीट पर चुनाव होने हैं। अब चुनाव आयोग इस सीट पर फिर से चुनाव कराएगा। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक है। हाल ही में मुरादाबाद की छजलैक थाने में चल रहे एक मामले में अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट खाली घोषित करने की मांग की थी। इससे पहले अब्दुल्ला आजम को 15 साल पहले हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में 2 साल की सजा हुई है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे। 3 साल पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई थी, तब अब्दुल्ला की विधायकी उम्र के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में गई थी। अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान की विधायकी पहले ही खत्म हो चुकी है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। हालांकि अभी के लिए आजम खान के बेटे सेशन कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो विधायकी बच सकती है। सेशन कोर्ट स्टे नहीं देता है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो विधायकी बच सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह है कि अब दोनों आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी जा चुकी है। 25 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आजम परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में शामिल नहीं होगा।
कारण क्या रहा, क्यों रद्द हुई, वो सबको पता है, कोर्ट का फैसला है और हर बार विधायक की यहाँ कोर्ट ने छीनी है। भाई न्याय सबसे ऊपर है और न्यायालय ने अपनी यहाँ पर कार्रवाई दिखाते हुए फैसले दिए और फैसले के बाद जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो हमारे यहाँ का लॉ है, उसके तहत यहाँ पर विधायक की छीनी है। वो विधायक की जिसके लिए जाने जाते थे, वो विधायक की जिसके लिए एक स्तर बना हुआ था और वो गढ़ जहाँ पर अपने आप में शहंशाह माने जाते थे, और फिलहाल इस युग का अंत हो चुका है ऐसा सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भननी। मैपुर चर्चा जहाँ मेहमान चुके रूबरू करा दूँ, नेता भाजपा से देशबंधु ऋषि भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे अपना पक्ष रखेंगे, राजनीति विशेषज्ञ के रूप में गजेंद्र त्रिपाठी भाई अपना पक्ष रखेंगे, पवन दीक्षित भाई कांग्रेस पार्टी के फायरमैन प्रवक्ता अपना पक्ष रखेंगे और इमरान लतीफ भाई आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता सपा से, जयप्रकाश भाई सरस्वती रद्द हुई है और यहाँ पर रद्द होने के बाद एक चुनौती यहाँ पर सपा के लिए है, निकाय चुनाव भी आ गए हैं, 24 चुनाव भी है, इसके बाद फिर 27 का चुनाव होगा, पर 24 चुनाव के पहले इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह की जो घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं यहाँ सपा के लिए सोचने वाली बात है कि जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, तो कहीं इस तरह की जो कार्रवाई होती है जो तमाम मामलों में सजा के बाद, और आजम खां पर जिस तरह से मुकदमे हुए हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं कि शायद अब इस कानूनी शिकंजे से निकल पाना इतना आसान नहीं, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, जो आज भाजपा शासित सूबे और मुल्क के हालात हैं, अच्छा, उसमें एक चीज तो साफ है कि हम जमहूरियत के रास्ते से दाखिल जो निर्वाचित निरंकुश सरकार है, अच्छा, उसके यातना के दौर में हूँ, यातना के दौर में, अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब वीडेम एक इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक जो भी मतलब लोकतांत्रिक देश हैं उनकी सूची तमाम कहिए मानकों पे देती है, अच्छा। तो जो LDI उनकी लिस्ट है, मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, अच्छा, उसमें आप देखिए तो हम 93 रैंक पे पहुंच गए हैं, अच्छा। और वहाँ श्रीलंका नेपाल भूटान भी हमसे आगे हैं, अच्छा। मतलब वहाँ जो मजबूत नेतृत्व में हमारी स्थिति है, हम उत्तर कोरिया पाकिस्तान ईरान सऊदी अरब जैसे तानाशाह वाले राष्ट्रों की श्रेणी में बैठ गए हैं, अच्छा। तो ये मैं नहीं कहा कि नहीं ये निर्वाचित निरंकुश सरकार में हूँ, और उसमें उन्होंने खास तौर पे भारत और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, अच्छा। तो भारत सरकार को निर्वाचित निरंकुश शब्द कहा है, अच्छा। तो मैं वही शब्द यूज कर रहा हूँ, मेरा अपना नहीं है, भाजपा अच्छा। के अगर मित्र हैं तो सुन ले साफ साफ, अच्छा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब ये बात क्लियर हो गई है कि हम निर्वाचित निरंकुश शासन के दौर में जी रहे हैं, तो उसमें तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि जिस रास्ते से हमने सत्ता हासिल करी थी, स्वराज की जो लड़ाई थी जिसमें भाजपा का तो कुछ लेना देना था नहीं, अच्छा। चाहे वो आजादी की पहली लड़ाई रही हो या दूसरी लड़ाई रही हो, इनका तो मैनेजमेंट और इवेंट के माध्यम से ये अपना कद गढ़ते रहते हैं नेतृत्व का, जिसमें एक अकेला आदमी इस समय है, अच्छा। लेकिन जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है पहले भी, गांधी जी जिस लोकतांत्रिक रास्ते से भारत को आजाद कराए थे वो भी सत्याग्रह का था, जन प्रतिरोध का था, अच्छा। अहिंसक का मतलब तमाम कहिए कि सिविल नाफरमानी, मतलब जो असहयोग सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन थे इसमें सिविल नाफरमानी तक थी, अच्छा। और उसके बाद जब इमरजेंसी आई और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के तमाम लोग सक्रिय हुए, तब एक नारा चलता था कि एक पैर जेल में एक पैर रेल में, तो अच्छा। मतलब ये है कि संघर्ष तो हमारे लोकतंत्र का मजाज अरे मिजाज रहा है, अच्छा। अब सवाल ये है कि ये अब्दुल्ला आजम साहब के साथ जो कुछ हुआ है, अच्छा। तो ये आप समझिए कि ये अकेली घटना नहीं है, क्योंकि जहां भी बाबा साहब के संविधान से लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूट प्रोटोकॉल या परंपरा स्थापित हुई है उस पे ये साझा हमला है, ये अकारण नहीं है, अगर चूंकि अधिसूचना कोई पाकिस्तान से नहीं आई है, अच्छा। जो अधिसूचना रिक्त करने की आई है विधानसभा सचिवालय से आई है, और विधानसभा सचिवालय स्पीकर महोदय के अधीन होता है, अच्छा।
तो अब जाहिर बात है कि अभी तक तो सड़क पे अगर आप संघर्ष करेंगे, चूंकि ये कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं कर रहे थे, अच्छा। अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन एक गूंगी बहरी सरकार के विरुद्ध जो है, ये हमारी परंपरा रही है। पुराना मामला है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो जैसे एक वहां करेंगे तो आपकी सदस्यता जाएगी, अगर आप सदन में कुछ बोलेंगे तो सदन में कुछ बोलेंगे तो लोकसभा में भी राहुल गांधी जी को नोटिस दिया गया, अच्छा। और वही हाल यहाँ होगा, सदन में बोलेंगे तो नोटिस दी जाएगी और आपके रिकॉर्ड से हटा दिए जाएंगे आप लोग, और अगर बाहर कुछ करेंगे तो आपकी सदस्यता जाएगी। नोटिस से आप डरते हैं क्या? नहीं, किससे? नोटिस से। नोटिस से डरते नहीं, हैं क्या? नोटिस से डरने का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि आप अगर सदन के भीतर बोलेंगे तो भी बोलने नहीं दिया जाएगा, अच्छा। सड़क पे संघर्ष करेंगे तो आपकी सदस्यता जाएगी, अच्छा। आप अगर अभिव्यक्त की आजादी जिसका आप रहनुमाई कर रहे हैं मीडिया की, अच्छा। अगर वहां भी आप सत्ता के कसीदा के बरक्स आप उसकी आलोचना कर देंगे तो बीबीसी का जो हाल हुआ है वो हो रहा, दुनिया देख रही है, अच्छा। तो वास्तविकता यह है कि जब इस तरह की निरंकुश सरकारें आ जाती हैं तो उनका एक एजेंडा। बीबीसी का हाल 1991 में भी हुआ? नहीं, किसका? बीबीसी का ये हाल 1991 में हुआ था कांग्रेस सरकार? नहीं नहीं, कभी नहीं इस तरह का हुआ। अच्छा, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। अच्छा, सवाल ही जानकारी में नहीं है, क्योंकि जिस आर्थिक, सुनिए, जिस आर्थिक मसले पे छापा मारी हुई है, बीबीसी का कोई भी आर्थिक गतिविधि लाभ के लिए होती ही नहीं है, अच्छा। जो उनकी सेकेंडरी आर्थिक गतिविधियां चलती है वो सारा का सारा उनके संचालन में खर्च होता है, अच्छा। तो ये डराने के लिए है, चूंकि डॉक्यूमेंट्री पिक्चर अभी आई थी तो उसका परिणाम वो झेले। वास्तविकता ये है कि जितने भी दुनिया में इस तरह के निरंकुश लोग आते हैं, जब जब आते हैं, उनका जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि ये बड़े डरे हुए लोग होते हैं जी। और इनको डर सिर्फ ये रहता है कि ये आवाम जो खौफ से उनके प्रति निष्ठा रख रही या डरी हुई है, कहीं उसका डर खत्म ना हो जाए। अच्छा, एक बड़े जनप्रिय मतलब कहिए कि जनवादी कवि थे गोरख जी, तो उन्होंने निरंकुश शासकों के बारे में बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी। अच्छा, तो वो लिखे थे कि उनका डर शीर्षक से कविता थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि वो किस चीज से डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं, अच्छा। कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, अच्छा। तो वास्तविकता ये है कि चाहे झोपड़ी को रौंदता हुआ बुलडोजर हो, चाहे विधायक की सदस्यता निरस्त करने की साजिश हो, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, चाहे नोटिस जनरेट हो रही हो कि आप अवमानना कर रहे हैं, सब में एक ही चीज है कि लोकतंत्र की जो मजबूत संस्थाएं हमारे पुरखों ने बनाई थी आजादी की लड़ाई या उसके बाद वाली पीढ़ी में, गांधी बाबा साहब नेहरू जी इन लोगों ने जो साझी विरासत साझी शहादत से एक समरस समाज का सृजन किया था, उसको विनाश करने के लिए अभी एक चीज और जान लीजिए कि ये सारा का सारा प्लानिंग आरएसएस की है, और वो आरएसएस एक अज्ञात शत्रु की कल्पना करता है। अभी तक तो मुसलमानों के विरुद्ध थी, अच्छा। अब मुसलमानों के बजाय यहूदी के टारगेट आ गया। मैं आपको कुछ ये बताऊं, बीबीसी में सर 1970 में इंदिरा गांधी सरकार थी और बीबीसी पे 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। कारण ये था कि बीबीसी के फ्रांसीसी निदेशक लुईस मेले ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें भारत की छवि खराब हो रही थी। 2 साल का प्रतिबंध उस समय इंदिरा सरकार ने 1970 में लगाया था। उसके बाद 1975 में बीबीसी के भारत में संवाददाता रहे मार्क टोली, उनसे विवाद रहा था, और विवाद के बाद बीबीसी का फिर गतिरोध हुआ था भारत सरकार से। यह तीसरा मामला है कि बीबीसी के ऊपर कार्रवाई की गई है जी। वो जो आपने कहा बीबीसी की कार्रवाई नहीं है, अरे सुन लीजिए सरकार, अगर भारत के राष्ट्रहित के लिए, अगर भारत की अस्मिता खतरे में होती है, भारत के हमारे राष्ट्र गौरव को आहत करता है बीबीसी, तो उसे आप घर के दरिया कर दीजिए, वो भी कबूल है हमें, अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि मोदी भारत नहीं है, अच्छा। डॉक्यूमेंट्री जो बनी है जिसे उन्होंने प्रतिबंधित नहीं किया, डॉक्यूमेंट्री बनी, मैं तो कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, भारत नहीं है, आपने कार्रवाई नहीं हुई सरकार में, वो कार्रवाई कार्रवाई हुई है भारत, कार्रवाई हुई है, सुनिए, भारत के हित के लिए कार्रवाई होना अलग है, मोदी जी का हित, अडानी जी का हित, भारत का ही, अच्छा, अंतर। मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, मैं दूसरे मेहमान को लेता हूं। आप लोग ये विदेशी इंडेक्स लेके बात करते हैं कि निरंकुश सरकार है और वो इंडेक्स है, ऐसा है, जब इंडेक्स सकारात्मक आता है वो इंडेक्स की आप लोग बात नहीं करते हैं।
अभी तो हमने आपको पता है आपको अरे हमने तो सुनाया ही नहीं। अच्छा, इंडेक्स के जो आर्थिक हालात हैं, भूखमरी का हो, कुपोषण का हो, अशिक्षा अच्छा। का हो, उसमें तो नंबर वन पे हम नवाजे ही जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आर्थिक विषय पे ही नहीं गया, यही मोदी जी पे। जब इनके प्रायोजित इंडेक्स आते हैं कि विश्व में लोकप्रियता कैसी है, अच्छा। तो भाजपा वाले चिल्लाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति है, तब क्या रहता है? अभी उनको सोलर एनर्जी पे विश्व का पुरस्कार दिया गया। तो जब विश्व की मतलब संस्थाएं उनको किसी सकारात्मक टिप्पणी अच्छा। से करती हैं, तो भाजपा वाले गले में फीता लगा के घूमते हैं अच्छा। और जब एक तटस्थ संस्थाएं जिनकी वैश्विक स्वीकृति है, मान्यता अच्छा। जब वो कुछ कहती हैं, नकारात्मक टिप्पणी करती हैं, तो वो पूर्वाग्रह हो गया अच्छा। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला अच्छा। वास्तविकता ये है कि ये सच है अच्छा। 2014 के बाद अच्छा, आदम खान को हेट स्पीच मामले में जो सजा हुई है कि किसी महिला का अंतर्वस्त्र बताना, जी जी जी, किसी बड़े अधिकारी की इस तरह बात करना, अगर हेड स्पीच में मामले कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई तो सही है ना? अरे सरकार वो हेट स्पीच से समर्थन में मैं नहीं रहता, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छी स्पीच बता, अगर जो लोग भुखमरान है ना, हाँ, उनके मुख्यमंत्री जी और उनके टॉप लीडरों की हेट स्पीच आप सुना नहीं पाएंगे। अच्छा, तो उनके बरक्स तो आजम खान साहब बड़े योग्य आदमी थे, उनकी तकरीरें हमेशा लाक्षणिक शैली होती थी। तभी सत्ता जी मिलने नहीं गया। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, उनका जो अस्तर था, अंदाजे बया था आजम अच्छा, खान साहब का, हाँ, वो लाक्षणिक शैली में होता था, फिर भी वो सीमा क्रॉस नहीं करता था। हाँ, जिस सीमा में यहाँ के जो बैठे हुए हुक्मरान योगी जी हैं या उनके तमाम फायर ब्रांड के लोग हैं बोलते हैं अच्छा। और दूसरा एक चीज बता दें कि अब्दुल्ला आजम भाई की जो सीट ली जा रही है, देखिए अभी निर्णय आया लोअर कोर्ट का, अभी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आपने सबर नहीं किया, हाँ। अधिसूचना जारी कर दी और हाँ। इसी तरह के 16,000 से अधिक मुकदमे अच्छा। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकर्ताओं के खत्म कर चुकी है, बाबा जी खुद अपने पर से खत्म कर चुके हैं। तो ये क्या मतलब है? अपना आप मुकदमा खत्म करिए और जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनके मुकदमे की पैरवी करिए। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि इनका अंतर विरोध क्लियर है। वास्तविकता यह है कि इनका जमहूरियत में यकीन कभी नहीं रहा है। ये लोग किसी तरह से उस दरवाजे का प्रयोग कर करके दाखिल हो गए। ये जमहूरियत के लिए खतरा है, इसका दल में का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 2-in-1 है, एक तो मुसलमान भी है, प्रतिपक्ष के भी है, जानबूझ कर रहे हैं लोग। उसमें कुछ बचा क्या है अच्छा। आपको लगता नहीं है? मतलब एक तो वो 2-in-1 इसलिए है कि एक तो मुसलमान भी है अच्छा। तो इस तरह के परिवार को आप, ये मैं बता दूं कि इसके पहले मायावती जी, हमारे नेता जी अच्छा। तमाम बड़े तलखी वाले संघर्षों के लोग रहते थे सत्ता में अच्छा। अगर राजनीतिक दुर्भावना भी कभी आई एक आंशिक स्तर पे, तो कभी किसी के घर के महिलाओं को, सुन लीजिए, एक लक्षण इसमें साफ दिखा, मर्दवादी आरएसएस एक मर्दवादी संगठन है, उसका संस्कार ये है, उसी की कोख से पैदा जो भाजपा आज राज कर रही है, हाँ। ये लोग एक मर्दवादी सोच के हैं, इसलिए प्रतिपक्ष के अगर किसी व्यक्ति को टारगेट भी करते हैं तो उसकी महिलाओं को सजा देते हैं, सबक सिखाते हैं अच्छा। चाहे वो अपराधी विकास दुबे रहा होगा तो बिना अपराध के खुशी दुबे रहेंगी। आजम खान साहब की पत्नी से मुकदमा है, और किसका मैं बता दूं, अब देखिए वो अब्बास अंसारी की पत्नी का मसला हो गया। तमाम बातें कही और जिस तरह से बोल रहा है कि निरंकुश सरकार है और जो आंकड़े हैं वो विश्व की संस्थाएं बता रही हैं, और एक प्रकार से जो संस्थाएं हैं आरएसएस, उसी से उपजी बीजेपी मर्दवादी नीति पर चल रही है और उसी हिसाब से काम कर रही है। चार मुझ कर यहां पर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम आपने आज इस महत्वपूर्ण डिबेट में अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और प्राइम टीवी के श्रुति श्रोताओं को शुभ संध्या जी। देखिए आंकड़ों की बात करते हैं, और आज़ादी से पहले से लेके आज 20वीं सदी तक, 21वीं सदी तक की सारी कहानी हमारे माननीय सपा के प्रवक्ता जी ने सुना दी, और LDI आंकड़े और वैश्विक आंकड़े और सेंसेक्स और डाटा की बात कर रहे हैं। आप बताइए 2014 में, आंकड़ों के ही आपने बात की तो गौरव भाई आप भी जानते होंगे, 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की सत्ता संभाली अच्छा, तो उस समय क्या माहौल था आपने देखा? देश घोटालों के देश के नाम से महत्वपूर्ण था अच्छा। अब ये बात अलग है, हमारे माननीय सपा प्रवक्ता उनके साथ गलबलियां बना के साइकिलों पे उत्तर प्रदेश की सड़कियों में घूमे थे अच्छा। उस चीज पर यह चर्चा नहीं करेंगे अच्छा। और इनके अंदर आज देखिए एक सजा याफ्ता मुजरिम के खिलाफ अच्छा।
साहब कह के संबोधन कर रहे हैं। देखिए अपराधी अपराधी होता है। देखिए 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 आपके लिए देखिए साहब हो सकते हैं। अरे नंदी आपके लिए माननी कैसे हैं? आप नहीं, आपके लिए देखिए संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं। इससे पहले भी आपके एक दिवंगत बड़े नेता थे जो रक्षा मंत्री के पद पर थे, वह भी कांग्रेस के साथ लूट खसोट में शामिल थे। और आपको एक चीज बता दे, देखिए देखिए ऐसा है, अब इन्होंने बात की, अभी बात कर रहे थे मर्दानगी और आरएसएस की, मैं एक ही चीज कह दूं, रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बिल्कुल, आप बताइए अभी नहीं, नहीं आज तक कोई अभी भी नहीं, गेस्ट हाउस कांड कोई भूला नहीं है। अच्छा। और ये देखिए चरित्र कहा नहीं जाता है, चरित्र कहा नहीं, देखिए चरित्र कहा, अरे आप कानपुर कांड की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगों की बात नहीं करते हैं, कभी कार सेवकों की बात कर ली। देखिए मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था, मैं चाहता हूँ बोल लीजिए, अगर धैर्य नहीं है सुनने, यही तो बात है भाई। बोले भाई हमारा ये नारा नहीं है जी कि खाली प्लाट हमारा है, सपा का एक ही नारा है। डिबेट डिरेल मत कर, और मुजफ्फरनगर की जो दंगे हैं, और आपने भाषण सुनने वाली बात नहीं है, हमने आप इंटरप्ट जो करते हैं, और आपको ये भी बता दें, आपने जिसको कहा एक संवैधानिक, देखिए नियम है, आपने विधान परिषद में जो स्थान, पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे भी बोला मैं इसी तरह नहीं डिबेट करता, आपको किसी संवैधानिक संस्था पे नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं, और जानकारी के अभाव में नहीं बोला करिए। अरे भाई एक संवैधानिक नियम है, गौरव भाई मैं बताना चाहता हूँ, बहुत प्रतिष्ठित चैनल पे झूठ नहीं बोला, एक संवैधानिक नियम होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं आप कोई भी हो, 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है स्वतः ही। अच्छा। और यह फैसला या नहीं, यह फैसला या सुनिए, अरे माननीय माननीय जी आप सुन लीजिए, या तो आपका अवसर आए बोलने दीजिए, अन्यथा जो है गलत चीज में अंतर होता है, वो संवैधानिक नहीं लिखा। अरे 12 साल तक सुनिए, 12 साल तक हमारे प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ये संवैधानिक संस्था तो आप थी, तब तो राष्ट्रमुद, तब तो घोटालों में केंद्र में आपकी सरकार सत्ता की मलाई और लूट खास में खसोट थी। और ऐसा नहीं है, सारे असफल आप लोग कर रही हैं। देखिए सपा का चाल चरित्र चेहरा सब लोग जानते हैं, आपको बता दें इनको खाली लूट खसोट, और सत्ता के इतने लोभी हैं, आपको बता दें कि सत्ता के लिए, गौरव जी आपको बता दें, कोई भी प्रयोग या कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हटते। अच्छा। बात करेंगे समाजवाद की, अरे अच्छा। मैं कैसे बात कर लूं? अच्छा, एक नेता है कहते हैं भाई युवाओं से गलती हो जाती है, अब बताइए ऐसे शब्द अगर मैं नेशनल मीडिया में बोलूं तो बड़ा मुझे आत्मग्लानी होती है। अच्छा। कि ये कैसा समाजवाद है भाई, युवाओं से बड़ी गलती हो जाती है। और आप बता दीजिए पिछले जो 9 वर्ष आप हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं जी, आप ये बता दीजिए 9 वर्ष में एक भी मुद्दा बता दिया कोई सांसद पे, एक भी आरोप आप लगा दीजिए। अच्छा। और वो छोड़िए 6 वर्ष तक हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ शासन कर रहे हैं। अच्छा। आप ये बता दीजिए कोई भी एक दंगा बता दीजिए, कोई भी एक दंगा बता दीजिए, अशोक चंदेल का नाम भी है, कुलदीप सिंह सहगल, और सबका साथ सबका विकास की परिणति है कि आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिला, और 37 वर्षों बाद ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा। अच्छा। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सरकार मिली। अच्छा। और आपको बता दें जो सजा होता उनके लिए, इनके लिए सहानुभूति, और सहानुभूति आपने भी कहा, उस शब्द को मैं अपने शब्द में जोड़ू, 27 महीने तक साहब कह रहे हैं, और 27 महीने तक ये लोग मिलने नहीं गए, ये लोग खाली मुस्लिम तुष्टिकरण, और आपको बता दें जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पे खाली समाज को बांटने का काम करते हैं, और वोट बैंक की राजनीति, और किसी तरह सत्ता पर भी प्राप्ति करना केवल एकमात्र उद्देश्य है, ना तो इनका लोहिया के विचारों से कोई तालमेल है, और ना ही समाजवाद, और इनके समाजवाद की परिभाषा है खाली लूट खसोट। चलिए
राम राम जपना, पराया माल अपना, यही संस्कृति लेकर आपने देखा बुआ बुआ के साथ इन्होंने गठबंधन किया, उसका भी नतीजा आपने देखा, दो युवाओं की जोड़ी भी साइकिल पे चली, उसका भी नतीजा देखा। प्रवक्ता जी बोलिए तो आंकड़े बोलिए, आज पांचवी विश्व की अर्थव्यवस्था है, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, विश्व हो गया, बस ये सम्मेलन हो गया। अरे मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से, हमें लगता विस्मरण की बीमारी है। अरे मैंने कहा सुनिए, ये कर दीजिए एक बार सवाल फिर से पूछ लीजिए, सवाल पूछिए कि डिबेट किस पे है, डिबेट किस पे है, अब सुनिए सभी लोग सुनिए, डिबेट किस पे है, इनका प्रवचन सुनिए, भटक रहे हैं, ये प्रवचन सुनाएंगे, सुनो भाई, प्रवचन नहीं सत्यता पे आई, चले हो सत्यता आ गई भाई, सत्यता आ गई, केवल हमें मुझे सब पता है, अरे भाई सबकी सत्यता पता है भाई, रहने दीजिए, सन 75 की कर बंधु भाई, मुझको सबकी सत्यता पता है, रहने दीजिए, और जनता जनार्दन हमेशा भारत, चले आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए डिबेट पे, मैं बैठ जाता हूँ, प्रश्न शायद भूल गए, फिर से पूछे, शायद तिवारा आ जाए मुद्दे, प्रवक्ता कांग्रेस जो रट के आए, कम से कम तिवारा मुद्दे पे, रटने वाली मेरी बात नहीं है, आपके लिए वो कोर्ट से वो सजा याफ्ता है, और इस समय उनकी सदस्यता रद्द हुई है, मैं तो सुन रहा हूं, और सदस्यता रद्द होने का वो प्रावधान है, वो संवैधानिक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, ये आपकी जानकारी का अभाव, कृपया अध्ययन करें, संविधान की बुक पढ़ें, एक मिनट जी पवन दीक्षित, अरे एक प्लीज बारी बारी से, हमारे अगले टर्म में बोलिए, अगले टर्म में बोलिए, 19 पूछ लीजिएगा, संवैधानिक कानूनी प्रावधानों में अंतर होता, बार बार संवैधानिक शब्द बोल के संविधान का मखौल ना उड़ाए, नहीं आता तो चुप रहिए, नहीं नहीं आता है, आपने जो कहा विधान परिषद में, मैं बता दूंगा आगे कि संविधान और कानून कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है ना संविधान, तो आपको मालूम नहीं है, आपके लिए तो सारे असफल प्रयोग हैं, जो आना है सब बकवास कर, पवन निश्चित नियमानुसार बात, ठीक है हो गया, पवन निश्चित प्रवक्ता कांग्रेस भाई, जिस तरह घटनाक्रम रहा है, क्या रहा है आपकी, कैसे देखते हैं आप जी, क्या आजम युग का आने आ गया है, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार जी, और फिर भाई प्रवचन सुनने को मिल रहे थे, जैसे एक आदमी बिठा रखा है आपने, जैसे बकास की बहुत आग लगी हुई है, अच्छा बहरहाल ये टॉपिक एक्चुअली समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है, कांग्रेस का इस पे कोई ज्यादा कुछ व्यू नहीं है, क्योंकि ये चूंकि न्यायालय से एक आया हुआ आदेश है जिसके तहत अब्दुल्ला आजम साहब की सदस्यता गई है, हाँ इसमें कि जो संवैधानिक और कानूनी बातें कर रहे थे, देशबंधु के साथ वकील ना हूँ मैं, लॉ का स्टूडेंट हूँ, और संविधान के तहत जो चीज होती है कि अगर 2 साल से अधिक सजा हो गई है तो उसकी 6 साल के लिए वोटर भी नहीं रहता, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन विधानसभा के पास एक राइट होता है कि अगली दफा वो अपील करने तक, उससे उच्च न्यायालय में जाने तक जी, वो उस चीज को होल्ड कर सकते हैं, जी, कर सकते अब्दुल्ला आजम को अभी सेशन कोर्ट में जाना है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, जी, और अगर इस चाहता अगर सचिवालय इस चीज को तो वो रोक सकता था कि वो एक सर्टेन टाइम, वो आपको सुना होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को सजा होती है जी, तो उसको एक सर्टेन टाइम मिलता है अपील का, तो उस तरह का अपील मिलती है तो, और वो उसको नोटिस को अब चाहते तो उसको रोक सकते थे, बहरहाल ये तो सबको पता कि क्यों नहीं रोका गया, अच्छा। पूरा प्रदेश जानता है कि जिस तरह से अब्दुल्ला आजम, अच्छा। और विशेष रूप से मुसलमानों पे जो कृपा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी से छुपी नहीं है, अच्छा, और अब तो उसमें दलित और ब्राह्मण भी पूरी तरह आ गए हैं, अच्छा, बहुत बुरी तरह सफाया हो रहा है सब लोगों का, अच्छा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकतंत्र में सभी चीजों का सम्मान होना चाहिए, आजम खान साहब ने क्या किया, हमारे बड़े हैं इसलिए मैं साहब लगा रहा हूँ, अच्छा। मेरे मैं रोटी नहीं खाता हूँ उनकी, बकास की आग वाला व्यक्ति ज्यादा बोलेगा इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ, अच्छा। उन्होंने क्या किया, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो क्या करते हैं, वो एक अलग मतलब है, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह का दोहन जी। जो होता आया पिछले 5 वर्ष से एक परिवार के खिलाफ वो नहीं होना चाहिए, अच्छा। पिछले 75 सालों में देश में बहुत सारी सरकारें रही हैं, प्रदेश में बहुत सारी सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरह की दमन की राजनीति व्यक्तिगत रूप से शायद आपने भी नहीं देखी, गौरव भाई आपका भी एक कैरियर रहा है पत्रकारिता का जी। लेकिन जो चल रहा है वो खैर भगवान भरोसे और भगवान ही सब चीजों का निर्णय लेने वाला, हम इस चीज को नहीं कहते, अच्छा। लोकतंत्र को एक बचाए रखने के लिए एक अपराधी को भी मौका दिया जाता है, अच्छा। वो मौका दिया जाना चाहिए था और नहीं दिया गया है इस चीज के लिए, अब्दुल्ला आजम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से अगर उनको रिलैक्स मिलता है तो बहुत बढ़िया है,
और कोर्ट से नहीं मिलता है तो उनकी सदस्यता जाती है। और ये कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं कि किसी परिवार के नहीं रहा। हाँ, एक रामपुर के या उनके वोटर या सपोर्टर्स के लिए है कि भाई इस वक्त में अभी तक कोई भी व्यक्ति सांसद ही चली गई, विधायक ही चली गई, बच्चा क्या है। जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके वोटर, उनके सपोर्टर और उनके लिए एक दुख का विषय है। और क्योंकि ये कोई आसान नहीं होता किसी विधानसभा या सांसदी का चुनाव लड़ना और जीतना, तो ये वाकई में व्यक्तिगत रूप से, बट ये विधानसभा के इतिहास के लिए या देश के लिए कोई बहुत बड़ी चीज मैटर नहीं करती है। सपा के लिए नुकसानदेह है कि नहीं? सपा के लिए नुकसानदेह है कि नहीं? सपा का तो, सपा को तो आप एक चीज समझिए, आप खुद बोल रहे थे कि सपा ने तो उन्हें आइसोलेट किया हुआ था आजम खान को। 27 महीने में वो कितनी बार आजम खान से मिलने गए थे? बिल्कुल सही बात। और आजम खान को जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मेरे बहुत व्यक्तिगत लोग हैं जो आजम खान साहब को बहुत, वो इतना व्यक्तिगत रूप से व्यथित थे उस चीज के लिए, और अभी भी है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। पता नहीं समाजवादी पार्टी को डर था कि ऐसा ना हो कि ये चिंगारी वहां तक भी क्यों ना चली जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को और उसके नेतृत्व को स्पेशली, समाजवादी पार्टी का मतलब शिवपाल जी लगातार जाते थे, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी अलग थी, बिल्कुल पूरे अखिलेश यादव जी एवं सभी लोगों को आजम खान साहब का एक नैतिक समर्थन करना चाहिए था। जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 30-40 साल समाजवादी पार्टी की या समाजवाद के साथ में वो रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं, तो उनका साथ एक ऐसे वक्त को नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो बीमार भी हो गए, आज वो किसकी वजह से सब चीजें हो रही है, देखिये कहीं ना कहीं सत्ता में थे, हाँ दंभ के कारण भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की या अपनी सरकार को बचाने के लिए जो उनके थोड़े बहुत बयान उस तरह के गलत थे, शायद वहां से शुरू होकर व्यक्तिगत तक पहुंची हैं चीजें। तो इसके लिए ख्याल अखिलेश यादव जी को भी देना चाहिए। और गौरव भाई, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, 1969 और 68 में जब जेम्स मिले ने कलकत्ता के खिलाफ, कलकत्ता की गंदगी, कलकत्ता की बहुत गंदी चीजों को लेकर के वीडियो बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पर, उसकी वजह से इंदिरा जी ने 1970 में बैन किया था। और जब मार्क टुली जब आए थे, मार्क टुली आज भी जिंदा है, कलकत्ता में है, उनके बहुत अच्छे संबंध सभी पार्टियों से थे, कांग्रेस से भी थे, चूंकि कांग्रेस समय तक रही थी। और आपको पता होगा 1992 में आई थिंक और 2005 में उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण भी कांग्रेस की सरकार में मिला था। तो ऐसा नहीं है कि उनको उनको बोलने का अधिकार भी था, उन्होंने हमारे खिलाफ बोला भी, लेकिन उनकी पत्रकारिता का सम्मान को कांग्रेस ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि पपन जी, यहाँ पर आज बैन भी किया गया है, जिसकी सब बीबीसी की बात है, बस छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि आज टॉपिक नहीं है आपका। जी जी, प्रवक्ता सपा ये बोले थे बीबीसी पे कार्रवाई पहली बार हुई, मैं उनको ये याद कार्रवाई, लेकिन उसका मंतव्य आज जो किया जा रहा है, आज तो ऐसा किया जा रहा है कि भाई आपने राजा साहब के सपोर्ट में नहीं बोला तो आपको सजा मौत दी जाती है। ठीक है प्रवक्ता आप, ओपन एंड सर, ठीक है प्रवक्ता आप, इमरान लतीफ भाई आपकी क्या राय है, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आजम अंत हो गया है और जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम घट रहा है, क्या सपा के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है और किस तरह देखते हैं इस तमाम घटनाक्रम को? देखिए गौरव भाई, आवाज इको कर रही है, उसको ठीक करवा दें प्लीज, ऑडियो ठीक करा जाए। गौरव भाई देखिए, जिस तरीके से ये मामला है, ये न्यायालय का आदेश है, इस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक का इतिहास रहा है, 2014 से लेकर अब तक, जहां ये राज्यों में सरकार में है और जहां इस तरीके से केंद्र के अंदर इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार रही, जो इनका स्टैंड रहा है विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले जो मीडिया संगठन है उनके खिलाफ, चैनल्स के खिलाफ, वो साफ दिखा है। इससे एक बात साफ पता चली है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की मुखर आवाज पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सवाल पसंद नहीं है। अगर कोई भाजपा से सवाल करेगा, सरकार से सवाल करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे लठैतों को, चाहे उसको आप ईडीआई ईडी कहिए, चाहे सीबीआई कहिए, चाहे आप बीजेपी के लठैत के पास पुलिस है, मंत्री की भी तारीफ कर दीजिए, आज के समय बजट के आंकड़े नहीं पढ़ पा रहे थे अपने वित्त मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, अभी कभी सारी दुनिया ने देखा, डिबेट खराब मत करें प्लीज, बोलिए इमरान भाई बोलिए।
अपने टर्म में बोलिए बोलिए। दरअसल वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतने इतने इतनी गंभीर बीमारियां इन लोगों को मुंह की रहती है, दिमाग की रहती है। आप क्या तो सवाल रहे सवाल नहीं सुन पाते हैं। आंकड़े बता दीजिए, मैंने क्या कहा था, सवाल नहीं सुनेंगे थोड़ा। बंधु भाई अपने टर्म में बोलिएगा प्लीज प्लीज। गौरव जी आप इनसे बुलवाइए, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। बोलिए बोलिए मनन भाई बोलिए, आप पूरी बात करिए। नहीं 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 बोलिए 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 आप बोलिए। मैं मछली बाजार में बात नहीं रखता गौरव। बोलिए बोलिए आप बोलिए, वो शांत है बोलिए। तो मैं यही कह रहा था कि अभी आपने देखा बीबीसी का मामला उठा जी। बीबीसी ने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नरेंद्र मोदी जी की, कुछ विशेषताओं को दिखाने की कोशिश की थी। अच्छा, और उसके बाद क्या किया गया उनके साथ? अच्छा, आज अभी सत्येंद्र जैन का जिक्र कर रहे थे। मैं भी पूछ लूं सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप क्या है, नहीं बता पाएंगे दावे के साथ, नहीं बता पाएंगे। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हो, फिर चिल्लाने लगे। देखिए आपको डर मिलेगा, जवाब दीजिएगा, जवाब समझूंगा। देशबंधु भाई देशबंधु भाई प्लीज प्लीज देशबंधु भाई प्लीज, इनकी आवाज नहीं की जाए प्लीज। देशबंधु भाई प्लीज ऐसे नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोलिए, ऐसे नहीं होगा प्लीज। पूरी बात आपको मौका मिलूंगा, आप सबको जवाब दीजिएगा। बोलिए बोलिए इमरान भाई अपनी बात पूरी की, जल्दी बोलिए बोलिए। गौरव भाई देखिए जल्दी नहीं बोलेंगे, समझ लीजिए बोलिए बोलिए बोलिए। आम आदमी पार्टी से इतनी तकलीफ इनको है क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो इनके सीने पे चढ़ के सवाल भी पूछ लेगी और जवाब भी ले लेगी। अच्छा। और जनता के सामने इनको बेनकाब भी कर देगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने इनके जो अडानी का 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का काम किया है। मोदी जी ने जिस तरीके से अडानी के साथ मिलकर देश के लोगों का 11 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, उस पर अगर कोई सवाल कर सकता है तो आम आदमी पार्टी सवाल कर सकती है। अच्छा। ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। हाँ। शर्म नहीं आती इनको, जिन्होंने मुकुल राय जैसे भ्रष्टाचारी ज्वाइन करा लिया, सुवेन अधिकारी को ज्वाइन करा लिया, जो आज अडानी मिलकर पूरा देश लूट खाकर बैठ गए हैं। आज आज देखिए क्या हो रहा है, देश के लोगों का पैसा लूट के मोदी जी बैठ गए अडानी के साथ, अडानी के ठेकेदार बनकर काम कर रहे हैं, अडानी के चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम दिलाने जा रहे हैं, श्रीलंका में काम दिलाने जा रहे हैं, अडानी के एजेंट बनकर काम करने आए थे, नौ वर्षों देश ने आपको प्रधानमंत्री चुना था, पिछले 22 वर्षों में आम आदमी को कोई घोटाला नहीं मिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ 22 साल से खाली रोटी सेक रहे हैं, कैसे आम आदमी का उद्धार हो सकता है? जीत के रहा है भाई, आपको एमसीडी हरा दिया है, तवे पे आम आदमी पार्टी, अरे पंजाब सरकार बना ली हमारी पार्टी, वो पार्टी थोड़ी बड़ी पार्टी हो गई भाई। बोलिए बोलिए इमरान भाई बोलिए, दर्द बहुत है इनको। अरे भाई दिल्ली की हालत क्या है, 22 साल से ढूंढ रहे हैं, एक को घोटाले नहीं ढूंढ पाए। अच्छा, दर्द तो यही है सरकार बनाने के लिए, दर्द तो यही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 में फिर आ रहे हैं, दर्द तो आपका यही है। अभी गुजरात गए थे, बताया नहीं वहां की जनता ने। देशबंधु भाई प्लीज अपने टर्न पे बोलिए, देशबंधु भाई प्लीज, ये बहुत खराब बात है, प्लीज प्लीज अपने अपने टर्न पे, आपको मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा, सबका जवाब आपको देना है। मैं कह रहा हूं सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हटा लीजिए, इन्हीं का भाषण करा लीजिए यहाँ पर। बोले 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 मैं जल्द बोलिए बोलिए आप अपनी बात पूरी करिए, और या तो कुछ मुंह में इनके कुछ बांध बांध दीजिए भाई, अगर कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल है। ये बांधने का हटाने का जेल के अंदर राजनीति का ये कार्य आपका बहुत अच्छा है। ठीक है बोल लीजिए, बोलिए मैडम बोलिए बोलिए। शुक्र मनाइए आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी तो पता चलेगा, परेशान ना हो ये सारी चीजें नोट है। अब बहरहाल सुनिए आप, काट की हानि एक ही बार चलती है, बार बार नहीं चलती है, गुजरात में देखा दिया। सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, जवाब आपको ही देना है, जवाब देशबंधु भाई आपको ही देना है सबका। बोलिए बोलिए मैडम बोलिए, बोलिए भाई, भक्तगणों का शांति पाठ बड़े सब्र से सुनिए। नहीं नहीं भक्तगणों का नहीं, शुरू करिए प्रभु आप प्रवचन करें, भक्त एक देशबंधु भाई पहला टर्न है, शांति पाठ सुनिए भाई, चैनल भक्ति पाठ में बाधा मत बनो भाई, बोलिए भक्ति पाठ। चलिए हम लोग खामोश है, आप बोलिए, हम लोग जुबान पे उंगली रख लीजिए। आपके लिए लोगों की मानसिकता है कि आप शांत हो गए, प्लीज पहला टर्न है, सबको बोलिए, इसका आपको मौका मिलेगा, आपको सबका जवाब देना है, ये सब आपका जवाब के लिए ही बैठे हैं। बोलिए इमरान भाई बोलिए, आपको पूरा मौका। देखिए दरअसल ये गौरव भाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं, ये आम आदमी से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने अडानी का नमक खाया, नमक खाया तो ये जब बोलेंगे। अच्छा, ये अडानी के लिए बोलेंगे,
जब बोलेंगे अडानी को बचाव करने के लिए बोलेंगे, जब जुबान खोलेंगे अडानी का जो हराम का नमक ये खाते हैं, देश के लोगों का जो खून निचोड़कर तो उसका कर्ज अदा करने के लिए बोलेंगे, ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। इनकी हिम्मत नहीं कि हमारे सवालों का जवाब दे ले। मैं पूछ रहा हूँ, जांच क्यों नहीं करा रहे हो? अडानी का, मोदी अडानी जो महाघोटाला है, आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट है, जांच क्यों नहीं हो रही है? कोविड में और भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, येदुरप्पा की पार्टी वाले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, ये जो जिन संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिन एजेंसीज की बात कर रहे हैं, दो तीन उदाहरण लूंगा आपसे, बस थोड़ा सा मैं चाहूंगा, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आप बताइए, मुकुल राय जब विपक्षी पार्टी में होते हैं तो वो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, ईडी सीबीआई उनका जीना हराम करके रखती है गौरव जी। अच्छा। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में दूध के धुले हो जाते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा। शिवेंदु अधिकारी दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जब तक दूसरी पार्टी में होते हैं उनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, लेकिन अगर वो आम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो भैया उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है और उनको ईडी और सीबीआई सब हटा ली जाती है। चले, आप याद करिए हेमंत बिस्वा शर्मा का वाटर स्कैम का इतना खूंखार भ्रष्टाचारी। अच्छा। जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी रहते हैं। अच्छा। बुकलेट छापी जाती है, पर्चे छापे जाते हैं उनके खिलाफ, और जो वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो ईडी सीबीआई घर बैठ जाती है। चले, आप बताइए, ये इनकी असलियत है। इन एजेंसीज का इस्तेमाल ये अपने खिलाफ जो नेता हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका टेटुआ दबाने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गजेंद्र पांडे जी, अडानी महाघोटाला जो आपकी बात नहीं करा पाएंगे, क्या मूल्यांकन करेंगे तमाम बातों का, और जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उस पर आपकी क्या राय है, और इससे सपा को कितना नुकसान होने वाला है आने वाले समय में? जी देखिए, लोकतंत्र में जी ऐसी चीजें होंगी। अच्छा, होंगी। लोग इससे डरे भी हैं और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने का प्रयास भी करें। बिल्कुल, सबक लेंगे। हाँ। इसलिए कि या ऐसा मैटर है, इसमें केवल इनकी अभी सदस्यता गई है, अगर कोई ऐसी एनजीओ आती है आगे भविष्य में और यह जाती है कि ये फोर्जरी है तो ये 367/68/71/120 में जाएंगे। अच्छा। और जेल में ही रहेंगे। अच्छा। वो भी इनको वहां पर इनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, एफिडेविट बहुत सारे लीडरों के देखने को मिलते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। आप देखते हैं कि कई लोगों का पर्चा दाखिला इसी पर रद्द भी होता है। जी बिल्कुल होता है, जब उसी समय हो जाता है बहुत सारे लोग। अरे ये तत्काल सदस्यता रद्द उस पे नहीं हुई है महोदय। ये तो धरने प्रदर्शन पे हुई है 2019 में। अरे सुनिए, पहले वाली बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि यह सब जो धरने प्रदर्शन की बात की नहीं है, जो आपने बात कहा स्टार्टिंग से, मैं आ रहा हूं, 2 साल में 2 बार सदस्यता गई, पहली बार सदस्यता का कारण आप बता रहे हैं। अभी तत्काल जो डिबेट है वो दूसरे पे। ठीक है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी जी, उसी का मैं वो दे रहा हूँ ना, मेरा कोई वो नहीं है उससे राजनीतिक दलों। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ कि देखिए, इस तरह के कारनामे जहां जहां होंगे, अब भविष्य में इसी को साइटेशन, इसी को आधार बना करके लोग कोर्ट में जाएंगे, मुकदमे दाखिल होंगे। ठीक। और राजनीतिक दल इससे बचने का प्रयास करेंगे भविष्य में। ठीक है। जिस तरह की बातें राजनीति में की जा रही हैं आज के डेट में। अच्छा। चाहे वो पक्ष हो या वो विपक्ष हो, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। लेकिन 90 के दशक से, या मैं कहूं कि 2000 तक भी कह सकता हूं, लोग एक दूसरे के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं करना चाहते थे, बचते थे। अच्छा। एक गरिमा होती थी विपक्ष को भी, गरिमा खत्म हो चुकी है अब, वो गरिमा खत्म हो गई, खत्म हो गई, बची नहीं है। किस तरह की बातों को करते हैं और जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं ये हमको सुनने को भी मिलेगा और हमारे सामने इस तरह की चीजें भी आएंगी जी। तो जहां तक, और आपने अभी कहा कि तत्काल निर्णय ले लिया गया, देखिए ये भी एक आधार है। अच्छा।
कि भविष्य में अरे वो क्या रहे थे भाई पवन जी क्या रहे थे मैं क्या कह रहा हूँ चाहते रोक सकते थे नहीं नहीं हम क्या रोका गया था जयंत चौधरी एक महीने बाद लेटर लिखे तब जाके खतौली में चुनाव हुआ भाजपा का मतलब तो तुरंत आपने तो लिखा नहीं ना आपने लिखा था आपने तो लिखा भी नहीं जी देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है भूल गए होंगे कि लेटर देखिए विक्रम सर तो भाई हमारा अलायंस है उनके कोटे की सीट है हम लिखेंगे वो लिखे हम लिखे बात बराबर बराबर चल ठीक है चलिए चल ठीक है यहाँ पर यह बात आती है कि देखिए अब भविष्य में इस तरह की चीजों से लोग बचने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार ये सब तरह की चीज होने वाली है लोग अगर बचेंगे तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा प्रतिरोध का वो रास्ता है गांधी जी का देखिए ऐसा है अगर यही रास्ता है तो कानून में तो कानून का ये रास्ता है अगर यही रास्ता है तो कानून का ये रास्ता इसके लिए भी तैयार कानून का रास्ता 16,000 सुन लीजिए ध्यान से 16,000 मुकदमे समस्या वापस ले लिया अपने इसी तरह के आप बोलेंगे मसले पे सबके बीच में आप बोलेंगे जी समस्या यही है कि अगर योगी जी ने अपने मुकदमे वापस लिए तो कोर्ट में कौन गया अच्छा कोई गया क्या कोर्ट में जाएगा नहीं गया क्यों नहीं गया क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अरे लोकतंत्र न्यायपालिका से चलेगा वही वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने अपने मुकदमे मुख्यमंत्री होने के बाद लिए अच्छा वापस तो कानून में उसका भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया है अन्यथा अभी तक लोग कोर्ट में होते और कोर्ट उनको वहां पर बुला ली होती अच्छा देखिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे न्यायपालिका को भी बचाना जरूरी है भाई भाई बताइए कि सपा को नुकसान होना है कि नहीं होना है किस तरह देखते हैं देखिए चुनौती क्या होने वाली है नहीं नहीं सपा घटनाक्रम तो मुझे पता है सबको पता है अच्छा सपा हुआ कैसे हुआ सबको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ जी सपा इतने महीनों तक आजम खान के बारे में कहीं पे चर्चा भी करना चाहती थी क्या अच्छा जिसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती थी उसके बारे में आज डिबेट में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं अच्छा तो आपको दर्द हो रहा है क्या नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूं मुझे कोई दर्द नहीं है मैं तो यह कह रहा हूं कि चीजें जब भी ऐसी होगी कानून अपना कार्य करेगा और अच्छा। अब इससे इसी को आधार बना करके भविष्य में तमाम निर्णय सामने आपके आएंगे हम आप देखेंगे कि ऐसे निर्णय मिलेंगे देखने को और लोग बचेंगे इससे अगर लोग बचेंगे नहीं तो परिणाम ऐसा ही होगा जी ठीक है जसवंत भाई आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे अब आप सबकी बात का जवाब दे सकते हैं इमरान भाई की प्रवक्ता सपा के पाबंदी क्षेत्र की बोलिए क्या बोलना चाहते हैं नहीं देखिए उनको क्या कहें अब आप अपने तेवर दिखा सकते हैं माननीय जो हम देख रहे थे माननीय एक पुण्यात्मा थी हैं अच्छा और उनके सपनों पे आम आदमी का उदय कैसा हुआ ये आप भी जानते हैं झूठ अच्छा। के धरातल पर अच्छा खड़ा जो एक महल है जो धराधर गिर जाएगा कौन सा महल अरे यही लाख की हाटी वही जो कह रहे हैं एक सपनों का महल है वो भरभरा के गिर जाएगा और दूसरी बात हमारे माननीय सपा के प्रवक्ता जो है बार बार कह रहे हैं 27 महीनों तक तो इन्होंने आजम जी की सुध नहीं ली खबर नहीं ली आज बड़ी इनकी संवेदना है मुझे लगता है आपने ली कि नहीं ली नहीं इन्होंने मिलने भी नहीं गए ना देखिए मेरे मिलने की बात नहीं है मैंने बात यही हुआ आपने जो मुद्दा उठाया था फिर वही हूँ संवैधानिक संस्थाएं पर इनका विश्वास हट गया है अच्छा चुनाव की बेला आ रही है वो क्या दमन आगामी नहीं आगामी समय नहीं आगामी दो चार माह में निगम के चुनाव है और अगले वर्ष देखिए दमनकारी देखिए पिछले 22 वर्षों से बार बार ये मोदी की छवि को कह रहे हैं पिछले 22 वर्षों में अच्छा यशस्वी प्रधानमंत्री पर एक भी आरोप यह नहीं लगा सकते और अच्छा। आपको बता दें केंद्र में तब ये भी नहीं संयुक्त सरकार थी अरे सुनिए केंद्र में आपने भी संयुक्त गठबंधन किया था और आपके एक नेता थे सुनिए तब यही संवैधानिक यही ईडी यही सीबीआई यही इन्फोर्समेंट आपके होता था और आपको ये बता दें अभी आप आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे थे जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई तो दिल्ली सबल नहीं रही तब माननीय गृह मंत्री से जाके हाथ जोड़ के कहते थे अच्छा। कि आप हमारी मदद करिए मैं कर नहीं पाऊंगा अच्छा। अब आपको बताऊं तो मदद भारत सरकार ने की आप बताओ ये विपक्ष की बाल्टी है अरे मैं पूछूंगा अपने माननीय प्रवक्ता जी से इन्होंने वैक्सीन लगवाई कि नहीं
अच्छा, पूरी वैक्सीन को भारतीय वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत उनसे पूछे, अरे सुनिए मानसिकता की बात कर रहे हैं ना, अभी ये बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे समाजवाद, इनका समाजवाद की परिभाषा ही आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, परिभाषित ही नहीं कर पाते हैं, यह उसकी वैक्सीन को भी भाजपा नीत वैक्सीन, मतलब यह भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं। अच्छा, सेना अगर कहीं साहस का पराक्रम करे तो उसके सबूत साक्ष्य मांगते हैं, और अभी आपको बताएं गठबेलियां चुनाव आ रहा देखिएगा। अच्छा, अभी आपने देखा 22 में प्रयोग असफल, 17 में देखा असफल प्रयोग, अभी 24 में भी कोई आएगा, 40 की 40 विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात बताऊं गौरव जी, आप भी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इन्होंने अपना नेता तो इनके में इतनी महत्वाकांक्षा है, ये एक दूसरे कोई नेता नहीं समझते। अच्छा, कौन समझता है? अरे आप चाहे सोच कह लीजिए, अब आप देखिए इतना बड़ा पवित्र ग्रंथ है मानस, इन्हीं की पार्टी में विरोधाभास है। अच्छा, चाहे देखिए आप कुछ भी बक देंगे, अरे एक वेद वेदांत है आप उस पर नहीं जानते हैं, अनर्गल टिप्पणी क्या करते हैं, या तो आप उस पर सही तरीके से करें टिप्पणी और नहीं अच्छा। जानते आप देखिए उसी विरोध, क्या इनके माननीय अध्यक्ष जी उस बात पे खंडन कर सकते हैं या उसको मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत जानते हैं क्या, हर चीज ये लोग वोट से जोड़ के चलते हैं। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की रीति कभी वोट से नहीं रही, ये विकास के पथ का मार्ग है। और आपको बता दें 135 करोड़ भारतवासी और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश, हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत तेज विकास के पथ पे चल रही है, और उसका उदाहरण आपने देखा पिछले सप्ताह गौरव जी, सारे मीडिया बंधु आप भी गए होंगे, 33.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जीआईएस इन्वेस्ट सफलतापूर्वक हुआ, और हम एक विजन एक प्रोजेक्ट देखिए, जैसे आप कहते हैं एक आदमी खाका तैयार कर रहा है कि उत्तर अच्छा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, सबको रोजी रोटी मिले, सबको शिक्षा मिले, और आम आदमी की बात कर रहे हैं, अरे ये बता देना मैं चैनल पे खुला कर रहा हूँ, दिल्ली में कितने स्कूल खोल दिए इन्होंने, दिल्ली में कितने स्कूल खोल दिए, और दूसरी बात पूछूं आप कल का वीडियो इनका क्लिपिंग दिखा दीजिएगा, बजट सत्र में आंकड़े नहीं बोल पा रहे, जो व्यक्ति आंकड़े नहीं बोल पा रहा वो क्रियान्वयन क्या करे? हो गया पवन निचल भाई, आप देशबंधु डीआई के बारे में बड़ा मुस्कुरा रहे थे, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? अब क्या होता है जी, क्या होता है ना, अब मुस्कुराने की बात पर तो मुस्कुराया जाता है, देखिए इसमें कोई बात नहीं है, देशबंधु भाई अपने भाई है, और जिस तरह से वो बखान कर रहे थे कि उन पर कोई आरोप नहीं लगा, ये अदानी का आरोप किस चीज किस, देखिए अडान देखिए कोई नहीं, देखिए आरोप आपने कहा नहीं, आरोप बात करते हैं आप, अडानी की बात करते हैं, अंबानी की वो उद्योगपति हैं, वो अभी जांच का भी विषय है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, देखिए मेरी बात सुनिए पवन जी, मेरी एक बात सुनिए, आपने पिछले 9 वर्षों में और 22 वर्षों में कोई एक आरोप सिद्ध नहीं किया है, और ये अभी जांच का विषय है, आप कभी कांग्रेस पार्टी अपने घोटालों पे बात कर लीजिए, आप ये बताइए, आप नहीं आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कभी ये बताइए कांग्रेस नहीं आप घोटाला नहीं आप ये बताइए, आप ये बताइए राष्ट्रकुल घोटाला भारतीय घोटाला आसमान घोटाला कोई घोटाला, अरे घोटालों की सरकार रही, आप अपने आप बताइए, खेद नहीं होता है इतना बड़ा परिवार जमानत में, इतने बड़े परिवार राजकुमार मोदी सोने का चम्मच राजनीति में सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपनी मेहनत प्रतिष्ठा भौंकना बंद नहीं हुआ है, ये बदतमीज आदमी, इस आदमी को कुछ पता है नहीं क्या होता है क्या क्या बोला जाता है, इस आदमी को कुछ ऐसा क्यों मैंने परसों भी बोला था इस व्यक्ति के लिए, आप व्यक्ति क्या बोलते हो आप, आपका चैनल है आपकी डिबेट है आप उसको हैंडल करने वाले हैं, मैं बहुत खुशी के साथ डिबेट में नहीं आऊंगा, देशबंधु दीक्षित अगर आता है आप मुझे मत बुलाइएगा, ठीक है मैं अब इस चीज में डिबेट को भी छोड़ूंगा, आप झूठ साथ बोलना नहीं आओगे, अरे सुन तो लीजिए उनकी बात को, आपको अपना मौका दिया है उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, सबको मौका, डिबेट में थोड़ी ना है कि डिबेट में एक ही आदमी बोलता रहेगा, देशबंधु भाई उनको ही मौका दीजिए, वो ही प्रवक्ता है किसी पार्टी के, बोलिए पवन भाई बोलिए, आप बोलिए जवाब दीजिए जी, बोलिए गौरव भाई जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस व्यक्ति को और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता को जी,
आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है उसमें से जी मुझे भ्रष्टाचार बताएं जो जो प्रूव हो गया है जी। अरे जमानत में और क्या करोगे यार, आप बताना यार, बेवकूफ आदमी, अरे आप क्या बेवकूफ आदमी यार, अपराधी हो बताओ ना, आलू से सोने का चिप्स कौन सा, आप बताओ कौन सा बिजनेस करते हैं, आप बताओ ना, बताओ कौन सा बिजनेस करते हैं, आप बताओ आपके युवराज कुमार कौन सा बिजनेस करते हैं, 135 करोड़ युवा की तरफ से मैं चैलेंज करता हूँ, आप बता दो कौन सा बिजनेस करते हैं, रॉबर्ट पटना का बिजनेस कौन सा है बता दो, मैं बता दो कौन सा बिजनेस करते हैं, तुझे पता है आप बता दो कौन सा बिजनेस करते हैं, खुद की कौन सा बिजनेस करते हैं, बता दो रॉयल्टी कितनी मिलती है, बिजनेस कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा उद्योगपति है, कौन सा उद्योग है व्यक्ति, अरे कौन सा उद्योग है उनका, किस चीज का बिजनेस लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि पहले तो भाजपा की लिस्ट गूगल सर्च कर लो, भाजपा में इतने महान प्रवक्ता नहीं होते, भाजपा भी एक बढ़िया पार्टी है, अच्छा फिर नेता प्रवक्ता की बात नहीं है, अगर इस तरह की डिबेट होनी है तो भैया आपको मुबारक, इन्हीं का अकेले आपको करा लीजिए, नहीं देखिए आप लोग सत्य पे बात करिए, झूठ पर आप बात करने मौका दिया करिए, मतलब सबको मौका मिलता जब ये सबका एक आपको मौका मिलता है, आप दूसरे मौका नहीं, फिर बोलिए तर्क है या बोलने का शैली है, बोलने की बनाई नहीं है, 50 साल पूरी करिए, डिबेट का कोई स्तर होता है, इस तरह से संबोधन नहीं किया जाता ना उनके विपक्ष के आदरणीय नेताओं का जो मित्र बैठे हैं प्रवक्ता, इनसे उम्र में कम है, अभी वो अगर इनको जिस तरह शब्दावलियों से नवाज रहे हैं, आम आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं, अरे भाई बोल रहा आप, मैंने बोलने के लिए किसी को मना नहीं किया, मैंने बोलने के लिए किसी को मना नहीं किया, बीजेपी नहीं बोला जाता, इस तरह की शैली थोड़ी, जगह बोलिए 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 आप बोलिए, देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, डिबेट डिरेल कर दिए लोग, लेकिन फिर भी देखिए जो दो तीन सवाल तरह तरह के लोगों ने, एक्सपर्ट महोदय ने भी उठाया कि आजम खान साहब का एक चीज साझी आई है जिसका उत्तर देना हमारी नैतिकता बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भाई या बीजेपी के महोदय सब लोगों ने कहा कि आजम खान साहब की सुध नहीं ली गई जी। तो ये हम स्पष्ट बता दें कि हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं जी, और उनकी सुध लेने के लिए औपचारिक सूचना देके औपचारिक मिलने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा। होता है, मैं बता दूं खुद मोदी जी और योगी जी अपने किसी भी कार्यकर्ता के चाहे नियति द्वारा उसके घर दुर्घटना हुई हो या किसी कानूनी शिकंजे में वो शिकार हुआ हो तो उसके घर कितना जाते हैं, यही कानपुर में ही उसी अच्छा। कानपुर देहात में जहां घटना हुई है, डॉक्टर मनोज मिश्रा एक प्रवक्ता थे सिटिंग अच्छा। ये मित्र को मालूम होगा या नहीं होगा जी, बिल्कुल है। उनकी दुखद मृत्यु हुई जी, और योगी जी कानपुर से कई बार गुजरे, कई बार मांग भी किए, भाजपा वाले उनके दरवाजे तक नहीं गए, आज तक नहीं गए हैं, न भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष गया अच्छा। तो अब ये है कि उसका मतलब तो ये नहीं कहा जाएगा कि उनको धोखा दिया, या राहुल जी प्रियंका जी अगर राष्ट्रीय नेता है तो बड़ा जरूरी नहीं, हाँ ये जरूर है कि हमारा अगर सतत संपर्क नहीं रहता अच्छा। उनके मतलब कानून की लड़ाई में अगर हम साथ नहीं रहते अच्छा। तो आप देखे हैं कि हमारे दल की संख्या कम हुई है अच्छा। फिर भी कपिल सिब्बल साहब को हम उच्च सदन में अगर भेजे हैं तो जाहिर बात है कि उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले के साथ हम खड़े हैं, आजम खान साहब के साथ। आजम खान के मीडिया सलाहकार और मीडिया प्रभारी ने एक पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था कि जो आजम खान के साथ सपा लोगों ने किया है वो गलत है और उनसे मिलने नहीं आए ये गलत है, और 27 महीने की जो जेल उन्होंने काटी है वहां पर उनकी जानकारी नहीं लेना, उनकी सुन नहीं लेना, कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाई, ये पत्र जारी हुआ था, सुनिए ये पत्र जारी हुआ था, ये पत्र की मेरे पास है, सुनिए बिल्कुल है, मीडिया सलाहकार मीडिया सलाहकार आजम खान साहब प्रभारी सुनिए या प्रभारी हूँ जी, आजम खान साहब जब छूट के आए उन्होंने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतत रूप से वहां के स्थानीय विधायकों से अच्छा। संपर्क में रहते थे अच्छा। और आप जानते नहीं थे। सतत रूप से संपर्क में रहते थे अच्छा। और अब्दुल्ला आजम साहब भी अच्छा। उस चुनाव के बाद टिकट दिया गया, हम साथ तमाम बीच की साजिशें की गई कि उनमें दूरी बढ़ा दी, लेकिन वो हमारे साथ है अच्छा ठीक है, वो हमारे संस्थापक भाई, एक बता दीजिए क्या कारण रहा, रामांकन यादव से मिलने चले गए, इरफान सोलंकी से मिलने चले गए, गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मिलने चले गए, आजम खान 27 महीने मिलने नहीं गए, नहीं क्यों नहीं गए, थोड़ा उस कार्ड पे पैकेज डाल दीजिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा उस कार्ड पे पैकेज डाल दीजिए,
देखिए कारण कोई नहीं है कि वो व्यक्तिगत जा रहे हैं या उनका अच्छा। कोई मध्यस्थ व्यक्ति जा रहा है अच्छा। या पूरी की पूरी उनकी कानूनी लड़ाई हमने लड़ी है और आजम खान साहब जब आए तो उनके जो आत्मीय निवेशक रहे उन्होंने कभी नहीं कहा ये एक स्वकल्पित चीज है, इसका कोई मतलब नहीं। वो हमारे दल के नहीं दिलों के नेता है आजम खान साहब, उनसे इस तरह की दूरी एक कल्पना है और ये बेमतलब की बौद्धिक कसरत है। और वो हम आजम खान साहब तो हमारे संस्थापक सदस्य रहे और इस मुल्क में इस सूबे में विशेष करके अगर जमहूरियत के लिए सेकुलरिटी के लिए संघर्ष होगा उनके बिना तो अधूरा ही रहेगा। हाँ एक चीज जरूर है कि आज जो है इमरान लतीफ ने जो कुछ शब्द यूज किए हैं कि अगर केवल आम आदमी लड़ेगी पार्टी भाजपा के बरक्स, वास्तविकता ये है कि आरएसएस आरएसएस की ही पैदावार है, आरएसएस की ही बी टीम है। कौन? वो भाजपा से नहीं लड़ते, भाजपा के लिए बैटिंग करके प्रतिपक्ष को सत्ता से बाहर करते हैं केजरीवाल। जहां भी वो हर जगह लड़ने जाते हैं, कांग्रेस कमजोर हो जाए, सपा कमजोर हो जाए, इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना करें। क्योंकि मैं नहीं कहता, सुनिए मैं नहीं कहता, लेकिन ये जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं केवल केवल और आम आदमी बल्कि कांग्रेस हाशिए पे, सपा हाशिए पे, अरे लड़ाई है दुनिया जानती है, इमरान भाई आप बीटी में क्या, दुनिया जानती है केजरीवाल किसके लिए बैटिंग करते हैं और किसकी नर्सरी। इमरान भाई जवाब लेता हूं, बोलिए इमरान भाई। देखिए गौरव भाई, पहली बात तो मैंने ये बात नहीं कही कि आम आदमी पार्टी अकेले हराने जा रही है, पता नहीं कहां आम आदमी क्या अकेले होती है। अच्छा एक मिनट खामोश कर लीजिए, इनको भी खामोश कर लीजिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के विषय में जो टिप्पणी समाजवादी पार्टी के सम्मानित मित्र ने की है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लें, उसके बाद बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और कुछ मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि इस तरह की टिप्पणी जब अपनी पार्टी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर आपको स्टैंड ना पता हो और उसके बाद आप कुछ भी आकर एक सम्मानित टीवी टेलीविजन चैनल पर कुछ भी बोल जाएं, तो ये आपकी पर्सनालिटी को हल्का करता है, पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम करता है। मैंने ऐसी कोई टिप्पणी ना तो समाजवादी पार्टी के विषय में करी है ना कांग्रेस पार्टी के। आप अकेले कैसे बरकस लड़ सकते हैं? आप केवल मैं सवाल करता हूं और कोई नहीं। मैं बता रहा हूं क्या मतलब, उत्तर प्रदेश में आप नहीं है, सुनिए हमसे बड़ी सुविधा की आशा में, सुविधा की भाषा मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा को शिकस्त अकेले समाजवादी देंगे, आम आदमी पार्टी नहीं। बोलिए इमरान भाई, ये स्टैंड है हमारा, कहीं है नहीं भाई। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व घोषित कर चुका है कि यहाँ हम नहीं थे, अच्छा यहाँ हम शिकस्त देंगे अकेले, इनका परस्तों को हमें आम आदमी पार्टी की नहीं चाहिए। पंजाब के अंदर भी नहीं थे, अच्छा 2010 के एमसीडी में हम दिल्ली के अंदर भी नहीं थे, गुजरात के अंदर 2012 में 2017 में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज हम राष्ट्रीय पार्टी हैं 10 साल के अंदर। और समाजवादी पार्टी के विषय में सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, 1992 से करते चले आए, लेकिन अभी तक ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो पाए और हालत यह है कि एक प्रदेश तक इनका अस्तित्व सीमित है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हालत इनकी होती चली जा रही है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक पांडे जी सुन तो लीजिए, इतनी पूरा पंजाब की सीट, पूरा दिल्ली की सीट ले लीजिए, तभी आज जितने पे हम है, जितने विधायक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जितनी जनता है, क्या हवाई बात कर रहे हैं? अरे महीने भर का समय मिल जाएगा, उनसे पूछिए कि आम आदमी पार्टी के विषय में क्या बोलना है आपको। आप यहाँ बैठ के जब आप बोलते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी को लेकर अपने नेता? लेकिन एक बात तो निश्चित तौर से है कि बौखलाहट है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है और जितनी वो तेजी से बढ़ रही है उतना नुकसान विपक्ष को हो रहा है। तो विपक्ष की जो ये बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए संगठनात्मक तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। अच्छा। उसके पास एक बड़ा संगठन है, संघ है जी, उसका कोर टीम है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी की अपनी टीम है जी। निश्चित तौर से सपा यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी है और उससे ही लड़ाई होगी। अच्छा। लेकिन जो नुकसान करने के लिए बी टीम ए टीम को मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा ना कोई, मैं ऐसे लेकर के शब्दों का प्रयोग करूँ जल्दी जल्दी, लेकिन इतना नुकसान जी कांग्रेस और आप जी मिलकर के कर देंगे जी, ठीक है, इन लोगों को पुनः ठीक वह स्थान मिलने वाला है। जसवंत भाई अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड जल्दी बोलिए। ना ना आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, अच्छा कर लें, कोई प्रयोग कर लें, अच्छा सारे असफल प्रयोग करें, एक और असफल प्रयोग, अच्छा बाकी सारी विपक्षी पार्टियां कर लें, अरे कोई दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। गौरव भाई मैं बैठूंगा और सुनिए, नहीं नहीं चुनाव के परिणाम देखिए, नहीं नहीं चुनाव के परिणाम ही देखिए, लोकतंत्र में लोक
जनता से बड़ा कोई नहीं होता। अच्छा ठीक, और आने दीजिए चुनाव जी, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। 135 करोड़ जनता फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की हैट्रिक मारकर उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं बैठूंगा। अच्छा ठीक है, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी कि आजम खां के परिवार का जो एक बादशाहत थी रामपुर में, बादशाहत थी सदनों में, वो बादशाहत फिलहाल यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि दशकों बार ऐसा हुआ है कि आजम खां परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं बचा है, चाहे अब्दुल्ला आजम की बात करें, चाहे उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की बात करें, और चाहे आजम खां की बात करें, सांसदी विधायकी और लंबे समय तक रामपुर में अपनी बादशाह रखने वाले आजम खां के युग की खत्म होने की बात फिलहाल होने लगी है। अब युग खत्म हुआ है या युग की छलांग लगाने से पहले पीछे की स्थिति है वो तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा, पर जिस तरह से हम ये घटनाक्रम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम आने वाले समय में सपा के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और जिस तरह से यहाँ पर एक व्यवस्था चल रही है, मेहनत चल रही है, संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष यहाँ पर आपको धरातल पर करना होगा। केवल ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति की व्यवस्था को समझ पाना, उस पर अंजाम तक पहुँचना और जनाधार पाना फिलहाल संभव नहीं है। जनता जनार्दन है, फैसला वही देती है, और जो फैसले आते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि राजनीति में कोई भी पद स्थिर नहीं होता, स्थायी नहीं होता। आप कभी भी कुर्सी पर बैठ सकते हैं और कभी भी आपकी कुर्सी जा सकती है। इसलिए जनाधार को बनाए रखिए, जनाधार रहेगा तो मौका मिलते रहेगा, अन्यथा जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। संघर्ष करिए धरातल पर, तभी मिलेगा जनाधार, नहीं तो जो चल रहा है उससे नहीं मिलेगा कोई भी आपको आधार। तो आज की चर्चा में इतनी, मुनीर जी नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।